हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सार स्टडी में। और मैं आशीष कुमार आप सभी को आज फिर से 9th की फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं 9th में फिजिक्स पढ़ाता हूँ और 10th में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो हमारा 9th का फिजिक्स और 10th का फर्स्ट केमिस्ट्री, यानी दोनों में लगभग एक चैप्टर हम लोग कम्प्लीट कर लिए हैं। तो आज हमारा 9th ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो चलिए हम लोग फिजिक्स में बात करते थे। फिजिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर था विज्ञान एवं मापन, यानी साइंस एंड मेजरमेंट, जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप पिछले अगर नहीं देखे हैं अभी तक, और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो पहले सबसे पहले आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर उसके बाद आप पिछला वीडियो जो है वो सारे देखिए, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। अब ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है क्या है, गति यानी मोशन। देखिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मोशन पर डिपेंडेंट है सब कुछ। ठीक, तो मोशन यानी गति। तो गति समझने से पहले, गति मोशन कह रहा, मोशन कहने का अर्थ है कि क्या हो रहा, कोई वस्तु है जो क्या हो रहा है, चल रहा है। तो कोई वस्तु अगर यहां, सपोज डैट ये क्या है, एक गाड़ी है, ठीक, एक व्हीकल है, तो यहां से ये वस्तु चलना स्टार्ट करती है, यानी मोशन में चलती है। तो मोशन से पहले ये रेस्ट में तो होगी ना, मोशन से पहले ये क्या होगी, ये रेस्ट अवस्था में होगी, ये रुकी हुई होगी। तो चलिए मोशन से पहले हम लोग क्या जानते हैं, एक बार रेस्ट को जानते हैं। कहता है सपोज डैट, मान लीजिए कि ये रोड है, ठीक, ये रोड है, एक वस्तु है, एक ये वस्तु है, ठीक। तो कह रहा है कि कोई वस्तु क्या हो रहा है, कोई वस्तु जो है किसी अन्य वस्तु, अन्य वस्तु मान लीजिए यहां पर क्या है, एक पेड़ है, रोड के किनारे तो अक्सर पेड़ होता है। तो कहता है कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा, यानी इस वस्तु के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अपना समय के साथ स्थान नहीं बदल रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो वस्तु है, ये जो बस है, ये बस क्या कर रहा है, ये वस्तु बस, ये पेड़ यानी ट्री, ट्री के अपेक्षा में इसके अकॉर्डिंग में क्या कर रहा है, समय, समय अंतराल में, यानी टाइम भी जा रहा है, टाइम भी टाइम लगते जा रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, ये वस्तु आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी अपना स्थान बदल नहीं रहा है। तब क्या कहेंगे कि ये वस्तु किस अवस्था में है, ये वस्तु रेस्ट में है। फिर कहता है कोई वस्तु, मतलब यही वस्तु का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हो गया हमारा रेस्ट यानी विराम। विराम यही कहता है कि कोई वस्तु जो है अपने किसी भी वस्तु, किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा में समय के साथ अपना क्या होता है, अपना स्थान नहीं परिवर्तन करता है। यहाँ पे भी यही हो रहा है, कोई वस्तु है अपना किसी अन्य वस्तु के अपेक्षा में समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, तब उसको क्या कहेंगे हम, कि वो वस्तु जो है, ये बस जो है, ये किस अवस्था में है, विराम अवस्था में, यानी रेस्ट में है। ठीक, फिर कहता है आगे हम लोग मोशन पे, अब रेस्ट पढ़ लिए, जान लिए रुका हुआ क्या है, कैसे कहेंगे कि ये विराम है। अब आगे गति पे, तो गति क्या कहता है, कोई वस्तु जो है किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ साथ अपना स्थान बदलती है। अब देखिए ये यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, ये यहां आ गया, ये एक बस मान लिए, ठीक, यहां ये पेड़ है, ये पेड़ है ना, ये बस है, ये वस्तु है, ये यहां से बढ़ के क्या होता है, यहां चला आता है, समय के साथ साथ ये क्या कर रहा है, अपना स्थान भी परिवर्तन कर रहा है। यहां से ये चलकर क्या हो गया, इतना दूरी पे आ गया। सब अगर मान लेते हैं कि यहां 10 मीटर पे था, तो ये 40 मीटर का अब डिस्टेंस इसके लिए हो गया। तो ये समय के साथ साथ क्या किया, अपना स्थान को परिवर्तन कर लिया, तब इसको कहेंगे कि ये क्या है, बस किस में है, मोशन में है। अब तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, विराम यानी रेस्ट, गति यानी मोशन हम लोग किसे कहते हैं। अब गति ये तो हम लोग जान लिए, गति तो आप लोग बहुत तरह के देखे होंगे, जैसे कि ये घड़ी है, तो घड़ी में देखे होंगे ये पेंडुलम होता है, ठीक। तो ये पेंडुलम क्या करता है, एक अपने अक्ष पे यानी अपने ऑर्बिट पे ही क्या करता है, ये यहां से यहां जाती है, फिर यहां से यहां आती है, ऐसे हुआ, फिर ये यहां यहां से भी यहां जाता है और यहां से ऐसे आता है। तो ये पेंडुलम अपने अवस्था जो क्या कर रही है, एक ही अक्ष पे यानी यहीं तक आएगी जाएगी, फिर यहां से रिटर्न होकर पूरा जाती है। तो कह रहा है कि इस तरह का भी होता है। अब जैसे देख लीजिए सिलाई मशीन, आप लोग देखे होंगे टेलर के यहां, तो उसका जो क्या है,
वो गोल गोल पेंडल को इस तरह से हम लोग जिगजैग करते हैं तो क्या होता है, ये सराउंडिंग यानी गोल 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 इस तरह से घूमता है। पृथ्वी क्या है, हमारा चक्कर लगा रही है। तो ये सब इस तरह का भी तो है ना, गोली भी है। तो इसके अकॉर्डिंग हो गया, क्या हो गया, बंदूक से अगर गोली निकली, सपोज डेट मान लीजिए कि ये बंदूक है, ठीक, ये यहां से इससे बंदूक से गोली निकली, एक ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है गोली। तो ये सबसे हम कह सकते हैं कि जो गति है हमारा, कई तरह की गति है। तो कितने तरह की गति है ये भी हम लोग अभी जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे गति के बारे में जानेंगे। ठीक कर दीजिए। देखिए हम लोग अगला जान रहे थे कि गति हम लोग का कितने प्रकार का होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है मोशन है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, रैखिक गति यानी लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कहने का अर्थ आप सभी समझ रहे होंगे, एकदम सिंपल समझिए, ये स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन, एकदम ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारा क्या है, लीनियर मोशन है, जो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती हो। जैसे एक बंदूक है, ठीक, ये बंदूक है, देखिए मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है इसके लिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा जो है ये क्या है, गोली है, ठीक, और ये हमारा क्या है, गन है। तो यही कह रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो यही हमारा है क्या, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में होता कुछ नहीं, वैसा गति जो किस अवस्था में करती हो, किस ऑर्बिट पे करता हो, कैसा उसका लाइन हो, वो एकदम सीधा करता हो, स्ट्रेट गति करता हो, ये हो गया। अब जैसे बस चल रही है रोड पे, ये बस चल रही है तो बस सीधे ही ना जाएगी, ऐसा तो नहीं कि बस ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चलेगी, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है, बस इस तरह से चलेगी, तो ये स्ट्रेट लाइन है। अब सपोज डेट मान लीजिए ये हो गया, अब मान लिया जाए, देखिए एक बालू का ढेर है, ठीक, यहां क्या है, एक बच्चा बैठे हुए है, ठीक। तो अगर ये बालू का ढेर पे बैठता है ऊपर से तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह करके यहां आ जाएगा, सरक के यानी नीचे आ जाएगा, तो बच्चा अब यहां आ गया। तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक सीधी अवस्था में आ रही है, ऐसा तो नहीं ये बच्चा यहां से इस तरह ऐसे 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 आगे पीछे घूमते हुए आया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो यही कह रहा है कि इस अवस्था में भी क्या हो रहा है, बच्चा सीधा ही आ रहा है, बालू का ढाल पर से भी अगर नीचे आ रही है तो वो बच्चा क्या है, सीधा आ रहा नीचा। इसलिए ये भी क्या है, एक लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन वैसा मोशन जिसमें वैसा गति जिसमें जो गति होती हो वो सीधी रेखा में होती हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे, यानी रैखिक गति बोलेंगे। इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, आप सभी को नोट्स वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक। अब अगला हमारा कौन सा है, हमारा अगला है वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। अब देखिए सर्कुलर मोशन क्या कहता है, सर्कुलर आप लोग समझ गए, सर्कल, साइकिल का चक्का कुछ इस प्रकार होता है, ठीक होता है ना। इस साइकिल को, चक्के को अगर ऐसे से, ये साइकिल का चक्का है सपोज डेट मान लीजिए इस तरह ऐसे गोल गोल चलता है, इस साइकिल को चक्के को इस तरह ऐसे रख देते हैं, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक। तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन हो गया ना, ये अगर इस तरह से चलने लगा तो ये सर्कुलर मोशन हो गया, अगर इस तरह से ऐसे ऐसे घूमता है तो इस तरह से घूमेगा तो आगे बढ़ेगा ना, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया। तो हम तो स्ट्रेट लाइन नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। उसी चक्के को ऐसे से उठा के ऐसे कर दिया जाए और इस तरह घुमाया जाए तब क्या हो जाएगा, वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ये हो गया हमारा जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी कैसे चक्कर काटती है, एक ऑर्बिट पे काटती है, तो ये भी सर्कुलर मोशन हो गया। तो यही हमारा सर्कुलर मोशन है, वैसा गति जिसमें क्या हो, गति हमारा किसी एक अक्ष पे, किसी एक ऑर्बिट पे राउंड करे यानी घूमे, तब वो क्या कहलाती है, हमारी सर्कुलर मोशन कहलाती है, ठीक। हमने ये भी जान लिया सर्कुलर मोशन का, जैसे चंद्रमा आप सभी जानते हैं हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटती है, तो ये क्या है, एक सपोज हाँ देखिए जैसे कि ये एक पृथ्वी है, तो ये अगर मान लीजिए ये चंद्रमा है तो ये इसके गोल 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 इस तरह से घूमती है, तो ये क्या हमारा सर्कुलर मोशन है, ठीक। ये भी हो गया। अब आ गया दोलनी गति यानी ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन देखिए क्या कहता है, ऑस्किलेटरी मोशन कहता है वैसा गति जो अपने एक निश्चित अंतराल पे, अपने एक निश्चित बिंदु पे, एक निश्चित बिंदु पे, जैसे घड़ी का पेंडुलम मैंने आप लोगों को बताया था
ये क्या करती है, यहां से यहां तक जाती है, ठीक, फिर यहां से यहां तक जाती है, तो ये क्या कर रही है, यहां से यहां जा रही है एक निश्चित बिंदु पे, फिर यहां से यहां ऐसे जा रही है, और यहां से जब रिटर्न करती है तो इस प्रकार यहां तक आती है, और यहां से जब रिटर्न करती है तो क्या करती है, यहां तक जाती है। तो ये क्या कर रहा है, एक निश्चित बिंदु तक जा रहा है, यहां तक फिक्स है, यहीं तक जाए। अब अगर एक झूला को ले लेते हैं, इमेजिन कीजिए आप सभी, तो झूला में भी क्या होता है, हम लोग जितना पीछे जाते हैं, जैसे ये यहाँ पे झूला है, ठीक, ये झूला हो गया आपका, सपोज मान लीजिए ये झूला है, अगर ये झूला इतना पीछे जाती है तो इतना ही आगे भी जाएगी ना, तो वही चीज यहाँ कर रहा है कि एक निश्चित बिंदु तक उसका एक फिक्स पर ये होगा, कि ऐसा नहीं है झूला यहाँ से ऐसे रिटर्न कर जाए, ऐसा नहीं होता है। आप सभी झूले हैं, झूला पे हम भी झूले हैं, तो इतना जाए इधर अगर गया, मान लीजिए 5 मीटर ऐसे आया तो 5 मीटर आगे भी जाएगा इस तरह, तो यही होता है। यहाँ भी क्या हो रहा है, ये दोलन गलती कहलाती है, जिसमें एक निश्चित बिंदु तक क्या होता है, वो जाता है फिर अपना वापस चला आता है, एक निश्चित बिंदु तक ही वो गति को करता है। तो ये हमारा ऑस्किलेटरी मोशन हो गया, ऑस्किलेटरी मोशन यानी वैसा मोशन, वैसा गति जिसमें क्या हो, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु जो है एक निश्चित बिंदु तक, एक निश्चित अंतराल तक, एक निश्चित पॉइंट तक, फिक्स पॉइंट तक ही क्या होती है, वो जाती है और फिर वापस रिटर्न आ जाती है। तो इसको भी हम लोग समझ गए दोलनी गति। अब देखिए आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक कहने का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे। तो देखिए पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, पीरियोडिक मोशन आप लोग, हाँ देखिए, जैसे चॉकलेट फैक्ट्री है, ठीक, एक चॉकलेट फैक्ट्री है, तो चॉकलेट आप सभी देखे होंगे कि चॉकलेट क्या होता है, कुछ इस प्रकार पैक होता है, ठीक, ये चॉकलेट है, ये कुछ इस प्रकार, ये हमारा जो चॉकलेट है कुछ इस प्रकार पैक होता है, तो ये जो कुछ इस प्रकार पैक होता है, तो इसमें क्या होता है, देखिए ये एक मशीन में एक निश्चित समय पे उसको फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ हर 5 सेकंड में वो क्या करेगी, उस प्लास्टिक के पैकेज को वो सील करेगी, तो ये रिटर्न फिर अगले 5 सेकंड में एक बनाएगा, फिर एक 5 सेकंड में बनाएगा, तो ये क्या कह रहा है, आवर्त गति यही कहता है, यानी पीरियोडिक मोशन यही कहता है कि ये फिर से एक ही समय पे, एक समय पे वो वापस रिटर्न वही काम करती है। जैसे हम लोग सिलाई करते हैं, तो सिलाई करते हैं तो क्या होता है, सिलाई करने वक्त अगर ये, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि सुई ऊपर नीचे करता है, एक निश्चित समय में करता है, ठीक, ये हो गया। अब सुई के बाद आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी नीचे में कुछ कुछ लगा होता है, ये जो होता है हमारा, जो भी ऑब्जेक्ट लगा होता है, ये क्या करता है, कपड़े को आगे बढ़ाता है, कपड़े को आगे बढ़ाता है, तो ये भी क्या करता है, आप देखे होंगे गौर से, ये एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे आता है, तो ये भी एक निश्चित समय पे आगे पीछे जाता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको आप फिर से देखिए, इसमें क्या होता है कि सुई के जो नीचे वाला पार्ट होता है, एक नीचे एक ऐसे जाता है, तो फिर एक बार रिटर्न आता है, फिर जाता है, तो यही यहाँ पे हमारे कहने का यही अर्थ है, एक निश्चित समय में उसी चीज को वापस दोहराती है, ठीक। इसमें क्या होता है कि इसमें फिक्स होता है, हर 5 सेकंड में होगा ही होगा, ठीक, और एक ही चीज होगा, यानी कि सपोज दैट ये 0.5 मीटर का है, तो ये 0.5 ही मीटर बनाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, दोलन गति में झूला का, जैसे आप सभी जानते हैं, एक बार अगर 5 मीटर गया इधर और 5 मीटर इधर रिटर्न गया, अगले बार में हो सकता है 4.8 मीटर तक जाए, फिर आगे ऐसे जाए, ऐसे करते करते क्या हो जाता है, वापस जीरो पे आ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जैसे आप चलाइए जितना ये इधर जाएगा उतना ही इधर वापस आएगा, उसी समय अंतराल में आएगा, उतना ही समय लेगा आने में, उतना ही समय लेगा फिर वापस वो रिटर्न होने में। तो ये सारी चीजें आप सभी समझ गए होंगे, चारों, रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, आवर्त गति, ठीक। अब एक चीज हम लोग और देख लेते हैं, एक चीज हम लोग को क्या देखना है, ये बता आपको, जैसे गति को हम लोग किस तरह दर्शाते हैं, यानी मोशन को हम लोग किस तरह से दर्शाते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, ये बात अभी हम लोग जानेंगे। हाँ, तो देखिए हमारा अगला है, सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति। हम लोग यही पढ़ रहे थे कि हम लोग गति को किस तरह से दर्शाते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि ये एक रोड है, यहाँ एक क्या है, बस है, ठीक। तो यहाँ हम लोग एक पेड़ ले लेते हैं, तो सबसे पहला तो ये दर्शाएंगे कि यहाँ से यहाँ कितना है, 10 मीटर का दूरी है, ये कण को, यानी किसी कण की स्थिति का वर्णन करना है, वस्तु से किसी कण की, अगर इधर आगे में होता, आगे में मान लीजिए ये 15 मीटर पे आते, इसको 15 मीटर लिखते हैं, तो ये चीज दर्शाना होता है, ठीक। सबसे पहला इसको दर्शा दिए। अब दूसरा कहता है मूल बिंदु से उसकी दूरी एवं दिशा बताना। अगर इस बस को मान लेते हैं, जैसे कि ये देखिए एक स्केल है, ठीक, यहाँ 0 है, तो यहाँ 1, 2, यहाँ 3,
यहाँ माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री हो गया, ठीक। अब इससे इसका दूरी हमको बताना है, तो कह सकते हैं कि बस से पेड़ जो है ये क्या है, आगे है, यानी इसको, हाँ देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो ये ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब इसको ये हो गया, ये इधर से हम कह सकते हैं कि कितना है, 15 मीटर वेस्ट में आपका एक पेड़ है। यही चीज अगर पीछे ईस्ट में है, सॉरी ईस्ट है ना, इधर इधर ईस्ट है। अब इसी चीज को इधर आते हैं, इधर आते हैं तो हम लोग कहेंगे कि -10 मीटर वेस्ट पे क्या है, एक ट्री है। ये चीज यहां कर रहा है, मूल बिंदु से इसकी दूरी एवं दिशा बताना। हम लोग दिशा भी बता रहे हैं और साथ साथ उसका मूल बिंदु से दूरी कितना है। तो -10 मीटर पे वेस्ट में क्या है, एक ट्री है। और अगर यही 15 मीटर ईस्ट बताता है तब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या है, एक ट्रेन, ये ट्री है। इसी चीज को ट्रेन में भी हम लोग करते हैं, हम लोग पीछे बैक देखते हैं, बैक से कितना दूरी पे है और उसके आगे, ऑब्जेक्ट के आगे और ऑब्जेक्ट के पीछे की दूरी को किसी एक कण से, किसी एक वस्तु से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे ये ट्रेन है, ये ट्रेन है ए और ये ट्रेन है बी, तो इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग बता देते हैं। और अगर इसके पीछे देखा जाए एक ट्रेन सी देखा जाए, तो फिर इस ए का अगर अगर एक स्थिति हमको जानना है तो इसके आगे का प्लस देखना है, प्लस में देखेंगे, जैसे कि यहाँ 5 मीटर मान लेते हैं, तो ये 5 मीटर ईस्ट में हो गया, बी ट्रेन दिखा देंगे और यहाँ पे क्या दिखाएंगे, ये 10 मीटर मान लेते हैं, तो -10 मीटर वेस्ट में कौन सा ट्रेन है हमारा, सी ट्रेन है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे सीखते हैं और कुछ नहीं है, बस जो है आपका ये दर्शाना, किस तरह से हम लोग इसको दर्शाते हैं, ये चीज हम लोगों को सीखना था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर कोई चीज, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज हमें कमेंट करें, मैं आप लोगों को उसको और अच्छे से डिटेल्स में समझाऊंगा। और हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि क्या इस तरह यूट्यूब पे एक चैनल है जिसे ज्ञानसार स्टडी नाम से, जो क्या है, फ्री में हम लोगों को एजुकेशन दे रहा है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।